मोदी सरकार एक नया इतिहास रचने जा रही है। देश को सबसे तेज रेल का तोहफा मिलने वाला है, जिसका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। सोचिए, जब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड रेल पटरी पर दौड़ने लगेगी, तो वो तकनीक की दुनिया में भारत की सुपर रफ्तार का दीदार कराएगी। बस एक घंटे में दिल्ली से मेरठ, अब दिल्ली से मेरठ रैपिड रफ्तार, आने वाली है रैपिड रेल, मेक इन इंडिया की सबसे तेज रेल। रैपिड रेल का पहला लुक जारी हो चुका है। जिसके बाद पीएम मोदी के मेक इन इंडिया मिशन में बड़ी छलांग लगी है। जो सपना देखा था वो पूरा होने के करीब है। सोचिए, जब 180 किलोमीटर की रफ्तार से रैपिड रेल ट्रैक पर दौड़ेगी, तो रेलवे के इतिहास में एक बड़ा ख्वाब पूरा होने जैसा होगा। रैपिड रेल को लोटस टेंपल की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। रैपिड रेल को गुजरात के सांवली प्लांट में तैयार किया जा रहा है। इसका लगभग 80% से ज्यादा टोटल इंडियन कॉम्पोनेंट होगा। इसका डिजाइन भी, इसके जो तमाम सारे और कंपोनेंट भी, वो हिंदुस्तानी कंपोनेंट होंगे। तो पूरी तरीके से ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। खुशी इस बात की भी है कि हमारा बम्बार्डियर इंडिया न केवल आरआरटीएस में भी आए, इसके पहले वो मेट्रो कंपनी के बहुत सारे मेट्रो कोचेज जो हमको सप्लाई कर चुके हैं, और न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में उनके तमाम सारे कोच चल रहे। स्टेनलेस स्टील से बनी रैपिड रेल हल्के होने के साथ साथ पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। प्रत्येक कोच में एंट्री और एग्जिट के लिए प्लग इन टाइप के 6 ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे, जबकि बिजनेस क्लास कोच में ऐसे 4 दरवाजे होंगे। बिजनेस क्लास कोच के अंदर फूड डिस्पेंसिंग मशीन भी लगी होगी। रैपिड ट्रेन में 232 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। खड़े यात्रियों के लिए अधिक जगह, सामान रखने का रैक, मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट, बैठे यात्रियों के पैर रखने के लिए लेगरूम काफी ज्यादा होगा और वाईफाई की सुविधा होगी। दिव्यांगों के पास व्हीलचेयर के लिए जगह, इनोवेटिव ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी TCMS तकनीक, ट्रेन में पुश बटन भी होगा जो जरूरत होने पर दरवाजों के खोलने के काम आएगा। मार्च 2023 में रैपिड ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई के बीच दौड़ने लगेगी। हर ट्रेन में 6 कोच होंगे। हमने टारगेट ये रखा कि दिसंबर 2022 तक हम पहला चला देंगे, पहले लाइन को चला देंगे। तो यानी मार्च में हमारे पास ट्रेन आ जाएगी, उसके बाद हम उसका जो ट्रायल चालू करेंगे, उसके बहुत सारे टेस्टिंग चालू करेंगे, बहुत सारे उसके ऊपर हमारे जो CMRS की होती है, RDSO के उसके ऊपर जो है कुछ टेस्टिंग होती है, तो इनके सारे चीज करने के बाद कोशिश ये होगी कि हम इसको दिसंबर 2022 में, जो हमारा नया भारत की जो एक संकल्पना है, जो 75 साल हमारे देश की आज़ादी के पूरे होंगे, उसी साल में हम लोग इसको चलाने की पूरी कोशिश करें। रैपिड रेल यानी RRTS ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप 2022 तक तैयार हो जाएगा। NCRTC रीजनल रेल सेवाओं के संचालन के लिए 6 कोच के 30 ट्रेन सेट और मेरठ में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए 3 कोच के 10 ट्रेन सेट खरीदेगा, जिसके बाद मेरठ से दिल्ली तक का सफर, जो करीब 3 घंटे का है, वो कम होकर महज 1 घंटे का रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पर मैं हूँ या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।